जोहार। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हजारीबाग लोकसभा के प्रत्याशी बीजेपी के मनीष जायसवाल जी, आज चंदवारा प्रखंड पहुंचे थे, इनका जोरदार स्वागत बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। क्या कुछ कहेंगे आज चंदवारा पहुंचे टिकट मिलने के बाद पहली बार? देखिए, चंदवारा के देवतुल कार्यकर्ताओं ने आप देख सकते हैं कितना उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो देशभक्त कार्यकर्ता होता है, और अपने देश को आगे बढ़ते हुए देख करके उनका जो जोश है वो और चरम पर है। प्रयास है कि इस बार और बहुमत हम लोग मोदी जी को दें ताकि हमारा देश और आगे बढ़ सके और महान हो सके। भारतीय जनता इंडिया गठबंधन की ओर से उम्मीदवार की अभी तक घोषणा नहीं हुई है। एक उम्मीदवार के नाम सामने आ रही थी, लेकिन ईडी के छापेमारी आज उनके आवास पे चल रही है, रांची में भी, हजारीबाग में भी। क्या कुछ कहेंगे कांग्रेस के जो विधायक है अंबा प्रताप? कि ये उनका अपना व्यक्तिगत मामला है, इसमें हम लोगों के बोलने जैसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक और पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन लगातार अब चुनावी मैदान में भी वो भी आने की संभावनाएं बताई जा रही है, और आदिवासी महिलाओं से काफी कनेक्ट भी कर रही है, कितना चुनौती मानती हैं आप लोग? हम लोग अपना चुनाव लड़ते हैं, दूसरा क्या करता है उसको चिंता उसको होनी चाहिए। हम लोग मोदी की ताकत पर, मोदी की गारंटी पर चुनाव लड़ेंगे और गारंटी जीतेंगे। एक युवाओं की बहुत बड़ी समस्या हजारीबाग लोकसभा कोडरमा में भी देखी जाती है, पलायन और बेरोजगारी की। अगर आप जीत के दिल्ली जाएंगे तो क्या कुछ काम करेंगे जो युवा जो पलायन कर जाते हैं, अपने परिवार को छोड़कर पलायन कर जाते हैं और बेरोजगारी के कारण? तो क्या देखिए, इस क्षेत्र का सबसे बड़ा समस्या पलायन है और बेरोजगारी है, लेकिन अब ये एक स्वभाव का हिस्सा बन गया है। अभी मैं बॉम्बे में था तो हमको एक यहाँ से विष्णुगढ़ का एक टेम्पो चालक मिल गए, तो हम उसके साथ उसके घर भी गए, हम लोग वहाँ खाना भी खाए, तो हम लोग उससे पूछ रहे थे कि भाई तुमको अगर वापस चलने में क्या प्रॉब्लम है? बोला कि हम वापस चल सकते हैं, हमको 15-20 हज़ार रुपया मिल भी जाएगा, लेकिन अब मेरा वहाँ मन नहीं लगता है और हमको यहाँ ज़्यादा कमाई होता है तो हम आना नहीं चाहते हैं। तो अब इसको एक सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम के रूप में भी देखना पड़ेगा। काम सब लोग नहीं किया है इस पर, थोड़ा थोड़ा, लेकिन अब इस पर मेजरली काम करने की जरूरत है। इतना आश्वस्त हैं आप कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता लड़ता चुनाव? अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे मनीष जायसवाल जी, जो पूरी तरीके से यहां कार्यकर्ताओं के द्वारा उन्हें जोरदार स्वागत भी किया गया और स्वागत समारोह का भी आयोजन किया गया। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ खजाना।